तो दोस्तों आज हम बात करते हैं खट्टा प्रहलादपुर गांव की, जो बागपत जिले में पड़ता है। ये गांव बागपत से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आपने काफी बार इस गांव का नाम सुना होगा, तो सबसे पहले हम बता दें, इस गांव में एंट्री करने के 4 रास्ते हैं और जौन से भी रास्ते से आप एंट्री करोगे तो आपको गाँव में बढ़ने से पहले मंदिर के दर्शन होंगे। इस गाँव में लगभग छोटे बड़े 20 से 25 मंदिर है। मेरठ बागपत वाले हाईवे से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है और यह बागपत मुरादनगर वाला रोड है जो कि गांव के बीच से होकर गुजरता है। यहां से खट्टा गांव की एंट्री शुरू हो जाती है। यहां से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर आप ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर एंट्री कर सकते हैं और यहां से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर जाने के लिए आपको 7 किलोमीटर जाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस गाँव में आपको क्या क्या सुविधा गाँव के अंदर ही मिल जाएगी। इस गाँव में आपको इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और सरकारी ITI कॉलेज आपको गांव में ही मिल जाएगा। फिर आपको कैनरा बैंक, HP गैस एजेंसी, मैरिज होम और छोटे बड़े फास्ट फूड, पिज्जा हट, ये सब आपको गांव में ही मिल जाएंगे। इस गांव में आपको होम डिलीवरी की सुविधा भी मिल जाएगी, जैसे आप घर के राशन का सामान, HP गैस सिलेंडर, पिज्जा, आपको होम डिलीवरी की काफी अच्छी सुविधा देखने को मिलेगी। इस गाँव में एक आपको मॉल भी देखने को मिलेगा जो की काफी खूबसूरत है और उस मॉल में आपको मिलने वाली सुविधा 50 सीट का पिक्चर हॉल और 100 सीट का पिक्चर हॉल, HDFC बैंक की ब्रांच, घर का सामान, ब्रांडेड कपड़े और 40 बेड का हॉस्पिटल इस मॉल में देखने को मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं इस गांव के लोगों की। लगभग 12 से 13 हजार इस गांव के लोगों की जनसंख्या है। इस गांव में लगभग 36 बिरादरियां रहती हैं। सबसे ज्यादा इस गांव में आपको राजपूत बिरादरी के लोग मिलेंगे जो कि राजपूत दाहिमा कहलाए जाते हैं। इस गांव के प्रधान ठाकुर राजू दाहिमा जी हैं।